अब नहीं चलेगा फुटकर पैसे ना होने का बहाना। अब भिखारी हल हाल में निकलवाएगा आपसे पैसा, क्योंकि अब भिखारी हो गए हैं हाईटेक, यानी कि डिजिटल भिखारी। अब भिखारियों को कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट, क्योंकि अब भिखारियों को भा रहा है कैशलेस सिस्टम। नमस्कार, लाइव यूपी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ गुडलिस सिंह। भिखारियों को भीख न देनी पड़े, इसलिए अक्सर लोग चिल्लर ना होने का बहाना बनाते हैं। लोगों के इस जवाब से परेशान होकर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के रहने वाले एक भिखारी ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया। यह भिखारी अब अपने गले में QR कोड लटका कर भीख मांगता है और लोगों से अपने भीख की रकम ऑनलाइन पेमेंट करवाता है। जो बोलते हैं कि चिल्लर नहीं है, तो वह उनकी इस बात पर सीधा बोल देता है कि चिल्लर नहीं है तो फोन पे कर दो। चर्चाओं में चल रहे इस भिखारी का नाम हेमंत सूर्यवंशी है और इसके भीख मांगने का अंदाज भी काफी निराला है। वह कहता है कि बाबूजी चिल्लर नहीं है तो फोन पे या गूगल पे कर दो। भिखारी का कहना है कि लोग डिजिटल तकनीक के चलते भीख भी आसानी से बारकोड स्कैन करके दे देते हैं। भिखारी हेमंत सूर्यवंशी का कहना है कि अधिकतर लोगों से जब वह भीख मांगता था तो लोग चिल्लर ना होने का हवाला देते थे, इसके बाद उसे ऑनलाइन पेमेंट के जरिए भीख लेने का आइडिया आया। बस तभी से उन्होंने डिजिटल तकनीक का सहारा लेते हुए बारकोड के जरिए भीख लेना शुरू कर दिया। वहीं बिहार के राजू पटेल, जो कि बेतिया रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हैं, ये भी अपने गले में हमेशा QR कोड लटकाए रहते हैं ताकि जिसके पास कैश ना हो वो उसे डिजिटली भीख दे सके। वहीं बिहार के राजू पटेल, जो कि बेतिया रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हैं, ये भी अपने गले में हमेशा QR कोड लटकाए रहते हैं ताकि जिसके पास कैश ना हो वो उसे डिजिटली भीख दे सके। वह फोन पे से भी अपनी भीख स्वीकार करते हैं। जिसे भी डिजिटली रूप में उसे भीख देना हो वो उस QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं। राजू ने कहा, मैं डिजिटल भुगतान स्वीकार करता हूँ, यह काम पूरा करने और अपना पेट भरने के लिए पर्याप्त है।